आश्रम में तो जो विजय हासिल की हम लोगों ने, प्रदेशवासियों का आशीर्वाद था, विधायकगणों का विश्वास था, तो इसलिए स्वाभाविक है कि हमें चुनाव जीतने था। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग की बहुत कोशिश करी बीजेपी ने, जो उनकी फितरत के अंदर है, वो हर जगह ऐसे करते हैं, गुजरात में विशेष रूप से। तो मेरे को तो अनुभव उनका, मैं था गुजरात के अंदर, तब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था, तो यहाँ पर वो मार खा गए, वो कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली में ज़्यादा मजबूत आप हो गए इस मामले? नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, चाहे मैं गुजरात काम करूँ, चाहे राजस्थान में करूँ, चाहे कहीं करूँ, दिल्ली में करूँ, कहीं करूँ। लेकिन जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग है, ईडी को प्रदर्शन है, ईडी के खिलाफ कल कांग्रेस का, उसमें आप शरीक होंगे? इसीलिए हम आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार एक मैसेज दे रखा देश के अंदर, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष में रह करके, अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, पक्ष और विपक्ष, और विपक्ष को वो नेस्ताबूत करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे मोदी जी, तो ये जो बात है, आज सारी एजेंसियाँ जो है, चाहे वो CBI, इनकम टैक्स, ED, DRI, जुडिशरी, सब पे इतना दबाव बना रखा है इन लोगों ने, निष्पक्ष होकर कोई काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है, ये हालात देश के अंदर है। और ये बात बार बार हम लोग सब कहते हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। वक्त आ गया कि हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को ये छोड़ कर, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं फारसी हूँ, मैं जैन हूँ, ये छोड़ करके देश हित में सोचना चाहिए कि कहाँ ले जाना चाहते हम देश में। अगर राहुल गांधी ने बात की लंदन के अंदर, जैसे पहले कोरोना के लिए कहा था, भाई कोरोना बहुत भयंकर फैलेगा, सरकार को वार्न किया था, तो परवाह नहीं करी फरवरी 2020 के अंदर। अभी उन्होंने कहा लंदन में कि पूरे देश के अंदर केरोसिन छिटक दिया गया है, बीजेपी ने पूरे मुल्क में केरोसिन छिड़क दिया है, वो देख लीजिए आप क्या हो रहा है। 3 दिन में पूरे देश के अंदर कुछ जगहों की तो हमें मालूम है, जो बड़े शहर हैं जहाँ पर आग लगी हुई है, दंगे हो रहे हैं, दंगे भड़काए जा रहे हैं, तनाव हो रहा है, पर छोटी छोटी जगह पे भी, छोटी छोटी जगह पे देखेंगे आप 500, 400, 800 के जुलूस निकलना मामूली बात हो गई है, और बहुत ही आक्रोश के साथ में कोई धर्म के लोग अगर इस प्रकार से तनाव पैदा करने में भागीदार निभाएंगे तो ये देश के हित में नहीं है। अब अगर राहुल गांधी सही बात कहते हैं, सोनिया गांधी जी मैसेज देती है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, तो वेलकम करना चाहिए सत्ता पक्ष को, तो इतने घबराने की जरूरत क्या है कि आप ED के नोटिस दिलवा रहे हो। जब हमारी जो नेशनल पार्टी एकमात्र पार्टी कांग्रेस है, आज पूरे मुल्क में वही छाई हुई है, चाहे पार्लियामेंट में कम हो सकते नंबर हमारे, विधानसभा में हमारे सरकार नहीं बनी हो, पर नेशनल पार्टी आज ही कांग्रेस ही पार्टी, जिसका एक इतिहास शानदार, उस पार्टी को आप समाप्त करने के लिए उसके नेताओं को आपने छेड़ा है, वो छेड़ के अच्छा नहीं किया है। यही लोग बीजेपी लोग आज, इनका नाम है भारतीय जनता पार्टी, इनका नाम था जनसंघ, नाम था जनसंघ, फिर मर्द हो गई जनता पार्टी के अंदर, ये जनता पार्टी में मुरारी भाई देसाई थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त में भी इसी जनसंघ जनता पार्टी के नेताओं ने उस वक्त में भी इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी बाय इलेक्शन चिकमंगलूर से, पार्लियामेंट ही निकाल दिया मेजोरिटी बल पर, जेल में डाल दिया उनको, पूरा देश उठ खड़ा हुआ था उस वक्त में भी, और आंधी चली इंदिरा गांधी की वापस। ये अहम और घमंड जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, दो ही लोग हैं वहां पर जो अहम घमंड के साथ चल रहे हैं। अहम घमंड तो आज तक किसी चला ही नहीं किसी का भी,
इनका भी नहीं चलने वाला, आज नहीं तो कल खत्म होगा, समाप्त होगा। सर जो बीजेपी की शोभा रानी ने क्रॉस वोट किया और उन्होंने अपने आलाकमान पर आरोप लगाए हैं, उसको देखते हुए कह रहे हैं कि भाजपा में कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी की और अशोक गहलोत जी का जादू कर दिया। देखिए शोभा रानी जी के स्टेटमेंट अभी पढ़ रहा था अखबार के अंदर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार लगा कि तो बहुत ऐसी महिला दिखती जो कि दमखम वाली दिखती है, जिसने ऐसा सटीक जवाब दिया है बीजेपी नेताओं को, वो छकड़ी बोल गए होंगे। अभी मैंने पढ़ा, अभी एक घंटा पहले ही, बड़ा पॉलिटिक जवाब दिया उन्होंने। बीजेपी हमारे पास आई थी, हम बीजेपी पर नहीं गए थे। राजस्थान में तो बीजेपी का रथ रुक जाता है, सरकार का टाइम हो, पिछले बार संकट आया था, अब कराची का मामला हो, पहली बार हुआ कि भाजपा को विधायक कांग्रेस के पास आ गए, तो कांग्रेस के भाजपा में जा रहे हैं। और आपके कार्यकाल में तीसरी बार ऐसा हुआ है सर, जो भाजपा को मात मिली है, तो बड़ा संदेश। अभी तो तीसरी बार लग रहा है आपको, अब आप देखेंगे डेढ़ साल के अंदर कई बार होगा। एनडीए गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का टारगेट राजस्थान है और वहां का मुख्यमंत्री है। इधर बार बार ये तंग कर रहे हैं, हम लोगों को दबाव दे रहे हैं, जिस रूप में क्राइसिस पैदा किया, होर्डिंग करने का खीर पूरा खेला गया, कामयाब नहीं हो पाए। बार बार उनको राजस्थान दिखता है क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, तो वही दिखता है इनको और टारगेट करके चल रहे हैं राजनीति में। इसलिए मैं मानता हूं कि आज देश के लोकतंत्र खतरे में है, माने कोई नहीं माने, और देश हित में नहीं है। आज तो हिंदू हिंदू करके बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि हिंदुत्व का वर्चस्व हो रहा है। जो माहौल बनाया गया चुनाव जीतने के लिए, एक मुस्लिम को टिकट नहीं दो, चार तो तीन में से, बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं वो, और बहादुरी दिख रही है क्योंकि ध्रुवीकरण होता है, हिंदू मुस्लिम है, मेजोरिटी किसकी है, हिंदुओं की है। हम कहते हैं हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, पर दूसरे धर्म का सम्मान करना मेरा फर्ज है, ये हिंदू धर्म सिखा था मुझे, ये गांधी जी ने कहा था। पर ये लोगों को गुमराह करके, हिंदू हिंदू की बात करके लोग गुमराह कर रहे हैं। जब हिंदू मुस्लिम हो जाएगा फिर ये बात करेंगे अपर कास्ट की और शेड्यूल कास्ट की बात करें, तुम शेड्यूल कास्ट वाले हो ये अपर कास्ट वाले हैं, फिर जाति की बात करेंगे, फिर भाषा की बात करेंगे। कहाँ जाएगा देश भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर। 70 साल में कांग्रेस ने त्याग बलिदान करके, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बैंसिंह जी शहीद हो गए, कितने हिंदू मारे गए थे पंजाब के अंदर, कितने आतंकवादियों ने कितने मारा लोगों को उस वक्त में, आप लोगों को तो पता नहीं। नई पीढ़ी के पत्रकार आ गए आजकल, उनको पूरा ध्यान जानकारी नहीं है, पर कितने मारे गए थे वो दिन हम भूल गए क्या? और किस प्रकार हत्या हुई इंदिरा गांधी जी की, देश एक रहे अखंड इसलिए तो हुई थी। आज ये लोग क्या समझते हैं, बड़े बहादुरी दिखा रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात करके, ये पता नहीं इसके रिपर्केशन क्या होंगे, ये फॉल आउट क्या होंगे, बहुत खतरनाक होंगे देश के अंदर आने वाले वक्त के अंदर। ये नई पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है, इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, इतिहास वही बनाएगा जो इतिहास पढ़ के राजनीति करेगा। सर भाजपा अशोक गहलोत को विपक्ष मानती है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है? अब वो तो भाजपा जाके पूछिए आप, कभी कभी तो उनसे बात भी किया करो, मुझसे क्यों चर्चा करते हैं। राजनीति गलियारों में चर्चा ये है कि केवल अशोक गहलोत जी को विपक्ष। मैं तो प्रथम सेवक हूँ राजस्थान का, और राजस्थान को मैं कह चुका हूँ राजस्थान वासियों को, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं थासू दूर नहीं, कितनी बार कहलवाओगे मुझसे, मुझे राजस्थान की सेवा करनी है, प्रदेशवासी की सेवा करनी है। जो हाईकमांड ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको मुझे निभाना है। प्रदेश के अंदर मैंने शानदार बजट पेश किए हैं जिसकी चर्चा राजस्थान के घर घर के अंदर है, बल्कि पूरे देश के अंदर है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे उन तमाम टारगेट जो मैंने बनाए हैं बजट के माध्यम से, उनको मुझे पूरा करना है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं वहाँ पर ERCP की है, जो मैं बार बार उठाता हूँ, प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, उसको लागू करवाना है। रिफाइनरी पूरी हो, रोजगार लोगों को मिले, पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा कॉम्प्लेक्स वहाँ बनेगा, हमने तैयारी शुरू कर दी है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। जो दिल्ली बम्बई फ्रीड कॉरिडोर है, उसका एरिया बन रहा डेवलपमेंट का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो कैसे डेवलप हो वो मेरा सपना है, हम उन कामों में लगे हुए हैं। बाकी बातों में पढ़ता ही नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं तो राजनीति पूरी करनी मैं कर रहा हूँ वहाँ पर।
सर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो बिना कांग्रेस के विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग जो आवाज उठा रहे हैं उनको चाहिए कि उनको मालूम है कि सबसे अधिक वोट आरबी कांग्रेस के पास में है। जब मालूम है उनको तो फिर आप तमाशा क्यों कर रहे हैं? कोई उनको चाहिए कि आप सबको साथ लेके चलें, जो भी इनिशिएटिव ले, पहल करना कोई भी कर सकता है, परंतु पहल करके सब पार्टियों को साथ ले तब तो आप अच्छी फाइट दे पाएंगे उनको। और अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो चुनाव जीत भी नहीं सकते। चुनाव तभी जीतेंगे तब एनडीए के जो पार्टनर हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, बीजेपी के अलावा भी उनके साथ में लोग हैं, उनके अलावा सब एकमत होते हैं, उनके वोटों के नंबर कम हो जाता है, तो वो नहीं जीत सकते। इतने दो महीने से उन्हें प्रधानमंत्री जी ने तैयारी कर रखी है, मुख्यमंत्री से बुला के बात करना, उड़ीसा हो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, वो अपना खेल खेल रहे हैं, खेलने चाहिए उनको, तो वो अलग बात है। पर विपक्षी पार्टी चाहिए क्योंकि मैसेज देना है देश की राजनीति को कि देश में जो हालात हैं, चिंताजनक हालात हैं, डेमोक्रेसी को खतरा है, तो आपको एक मैसेज देना चाहिए। चुनाव में हार जीत होती रहेगी, परवाह नहीं करेंगे, पर मैसेज देना चाहिए देश का विपक्ष एकजुट है। ये मौका आया है, अफसर को समाप्त नहीं करना चाहिए, अफसर को खोना नहीं चाहिए। मेरा मानना सर, कल बैठक होने वाली विपक्षी दलों की आप सारी को नहीं, मुझे वो इतना भी नहीं है। मैं तो आया हूँ राहुल गांधी जी के एकजुटता दिखाने के लिए। हम लोग इकट्ठे होने कल AICC के अंदर, और ईडी का बिना कोई कारण के आप सोनिया जी को और राहुल गांधी को दे रहे हो, नोटिस दे रहे हो, बड़े शर्म आने की बात है कि कुछ तो जमीर होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे एक बार CBI के चीफ से, ED के डायरेक्टर से और इनकम टैक्स के CBDT चेयरमैन से सबसे टाइम मांगने